हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन का एक चैप्टर जिसका नाम है कैम्स। तो नॉर्मली इस चैप्टर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ फॉलोअर की, टाइप ऑफ कैम्स की, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का जो है कैम प्रोफाइल डिजाइन करने का, एक न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैम किसे कहते हैं और फॉलोवर किसे कहते हैं, मतलब कि डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, कैम इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन टू अनदर मशीन एलिमेंट। तो कैम क्या है, एक मशीन एलिमेंट है जिसके पास कैसी मोशन होती है, रोटेटिंग मोशन, ठीक है, विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन टू अनदर मशीन एलिमेंट, जो दूसरे एक मशीन एलिमेंट को रेसिप्रोकेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग मोशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो दूसरा जो मशीन एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, हम फॉलोवर कहते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ प्रोफाइल और शेप ऑफ द कैम मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ फॉलोवर, जो कैम का प्रोफाइल है वो क्या करेगा, फॉलोवर को रेसिप्रोकेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग मोशन प्रोवाइड करेगा। एक बात याद रखना कि जो फॉलोवर और जो कैम का जो कॉन्टैक्ट है वो या तो हाइड्रोलिक मीन से बनाया जाता है या फिर स्प्रिंग का यूज किया जाता है, या फिर इस जो फॉलोवर है उसके वेट की वजह से ही कैम और फॉलोवर का कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर है, तो ये जो है वो कैम है जो कैम शाफ्ट पे माउंट होता है, ये जो है वो फॉलोवर है, ठीक है, और ये जो है वो गाइड है, ओके। तो यहाँ पे जो ये कैम है, सोचो कि इसकी मोशन इस तरीके से है रोटरी, तो ये जो फॉलोवर है उसको कैसी मोशन मिलेगी, तो रेसिप्रोकेटिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये है कैम और ये है फॉलोवर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉलोवर कितने टाइप के होते हैं, उन सब टाइप के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम आएंगे कैम पे कि कैम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलोवर कितने टाइप के होते हैं। एक बात बता देता हूँ कि ये जो कैम का जो प्रोफाइल है वो डिज़ाइन किया जाता है उस बेसिस पे कि हमें फॉलोवर की कैसी मोशन चाहिए, ठीक है। फॉलोवर की जैसी मोशन चाहिए उसके हिसाब से हम कैम का जो प्रोफाइल है उसको डिज़ाइन करते हैं। जो न्यूमेरिकल में हमारा बेसिक वही काम होगा कि कैम के प्रोफाइल को डिज़ाइन करना होगा। तो चलिए टाइप की बात कर लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर्स। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब कि फॉलोवर का जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है कैम के साथ वो कॉन्टैक्ट सरफेस कैसी है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले नाइफ एज फॉलोवर, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि फॉलोवर का जो कॉन्टैक्ट कैम के साथ होगा वो कैसा होगा, नाइफ एज शेप का होगा। तो ये है फॉलोवर, फॉलोवर का जो कॉन्टैक्टिंग एंड है वो कैसा है, नाइफ एज शेप का है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नाइफ एज फॉलोवर। और ये है कैम, ओके। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं, तो आप आराम से इस थ्योरी को लिख पाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला कीवर्ड है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, तो ये नाइफ एज फॉलोवर है वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल होता है। दूसरा पॉइंट है स्लाइडिंग मोशन, तो ये जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है नाइफ फॉलोवर की, नाइफ एज जो कि वो, और ये कैम का प्रोफाइल मतलब कि जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है उन दोनों के बीच में जो मोशन होगी वो कैसे होगी, स्लाइडिंग मोशन। दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में मोशन होगी वो स्लाइडिंग मोशन होगी। उसके बाद है हाई रेट ऑफ वियर, क्योंकि यहाँ पे जो फॉलोवर का जो कॉन्टैक्टिंग एंड है वो कैसा है, नाइफ एज शेप का, इसकी वजह से जो उसकी नाइफ एज होगी वो जल्दी से डैमेज हो जाएगी, वियर हो जाएगी, तो फिर इतना एक्यूरेट फॉलोवर काम नहीं करेगा, और इसकी वजह से जो वियर होगा कैम के प्रोफाइल जो है वो भी जल्दी से डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ वियर है यहाँ पे। साइड थ्रस्ट, जो साइड थ्रस्ट होता है वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वजह से होता है, तो यहाँ पे साइड थ्रस्ट भी देखने को मिलेगा। वो कहाँ पे होगा साइड थ्रस्ट, तो फॉलोवर और गाइड जो होगा, यह है गाइड, फॉलोवर और गाइड के बीच में क्या होगा, साइड थ्रस्ट। उसके बाद दूसरा टाइप है रोलर फॉलोवर, तो इसमें क्या होगा, जो फॉलोवर का जो कॉन्टैक्टिंग एंड होगा वो क्या, वहाँ पे क्या होगा, रोलर लगाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, रोलर है, ठीक है, और ये है कैम। तो रोलर जो है वो कैम प्रोफाइल के साथ कांटेक्ट में, तो यहाँ पे रोलिंग मोशन होगी, मतलब कि दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में जो मोशन होगी वो कैसी मोशन होगी, रोलिंग मोशन। यहाँ पे वियर जो है वो लेस होगा, लेकिन यहाँ पे साइड थ्रस्ट यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा।
इस फॉलोअर का हम यूज करने के लिए हमें स्पेस जो है वो ज्यादा स्पेस चाहिए, जहाँ पे ज्यादा स्पेस है वहां पे रोलर फॉलोअर का यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो स्टेशनरी गैस एंड ऑयल इंजन में इसका यूज होता है और एयरक्राफ्ट इंजन में रोलर फॉलोअर का यूज होता है। तो आगे टाइप देखते हैं, तो आगे है फ्लैट फेस्ड और मशरूम फॉलोअर, और फोर्थ है स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, तो फ्लैट फेस में आप देख सकते हो कि जो फॉलोअर का जो कॉन्टेक्टिंग एंड होगा वो कैसा होगा, परफेक्ट फ्लैट होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो ये है फॉलोवर, फॉलोवर का जो कॉन्टेक्टिंग एंड है वो कैसा है, परफेक्ट फ्लैट है, और ये है कैम। तो ऐसे फॉलोवर को कहते हैं फ्लैट फेस्ड फॉलोवर, या फिर उसको मशरूम फॉलोवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड लिखे वो आपको याद रखने कि यहाँ पे लेस साइड थ्रस्ट जो है वो यहाँ पे कम होगा, और जो कॉन्टेक्टिंग सर्फेस के बीच में जो मोशन होगी वो कैसी होगी, स्लाइडिंग मोशन होगी। जहाँ पे कम स्पेस है वहाँ पे इस फॉलोअर को यूज़ किया जाता है। तो कहाँ पे यूज होता है, ऑटोमोबाइल के जो इनलेट एग्जिस्ट वाल्व होते हैं वो वहाँ पे ये फॉलोअर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो वियर होगा वो कंपेयर टू नाइफ बेस फॉलोअर बहुत ही कम होगा। ठीक है, चौथा ये टाइप था स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर। तो यहाँ पे फ्लैट फेस की जगह पे यदि फॉलोअर का जो कॉन्टेक्टिंग एंड है वो स्पेरिकल शेप का है तो इसको कहेंगे हम स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो वियर है वो कम होगा, और यहाँ पे लेस स्पेस, जहाँ पे कम स्पेस है वहाँ पर भी आप यूज इसे कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है फ्लैट एंड रोलर फॉलोअर का, तो ये स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर। आगे और क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर अब है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फॉलोअर। तो फॉलोअर की किस तरीके की मोशन है उसके हिसाब से भी हम फॉलोअर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हेन द फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स इन गाइड एज कैम रोटेट यूनिफॉर्मली इट इज नोन एज अ रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर। तो आगे हमने जो चार टाइप के फॉलोअर देखे वो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर ही थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैम है उसके पास रोटरी मोशन है, और ये फॉलोवर उसके पास कैसी होगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी। तो ये जो फॉलोवर थे जो हमने आगे देखे वो कैसे थे, तो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर थे। ठीक है, उसके बाद है ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर। तो उसकी डेफिनेशन है, व्हेन द यूनिफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ कैम इज कन्वर्टेड इनटू द प्रीडिटरमाइंड ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ फॉलोवर। यदि कैम की रोटरी मोशन किस में कन्वर्ट की जाती है, फॉलोवर को ऑसिलेटिंग मोशन मिलती है, तो ऐसे फॉलोवर को हम कहेंगे ऑसिलेटिंग या फिर रोटेटिंग फॉलोवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर एक कि ये है कैम। ठीक है, तो कैम के पास तो है रोटरी मोशन, और ये है हमारा फॉलोवर। ठीक है, तो जैसे कैम रोटेट होगा तो ये फॉलोवर अबाउट दिस फल्क्रम ओ क्या होगा, ऑसिलेटिंग मोशन इसको मिलेगी, तो ये है ऑसिलेटिंग फॉलोवर। ठीक है, और क्लासिफिकेशन देखते हैं आगे, तो और क्लासिफाई कर सकते हैं हम फॉलोवर को, तो अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर। तो फॉलोवर का जो मोशन का पाथ है उसके हिसाब से भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेडियल फॉलोवर, तो रेडियल फॉलोवर किसे कहेंगे, व्हेन द मोशन ऑफ फॉलोवर इज अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैम इट इज नोन एज अ रेडियल फॉलोवर। मतलब कि जो फॉलोवर है जिस एक्सिस के अलोंग मोशन है उसकी, यदि वो एक्सिस कैम के सेंटर से पास होता है तो उसको कहेंगे रेडियल फॉलोवर। तो हमने जितने भी आगे फॉलोवर्स देखे वो सारे के सारे रेडियल फॉलोवर ही हमने देखे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉलोवर इसकी मोशन कुछ इस तरीके से होगी, तो अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस मान लो, अब ये एक्सिस कैम के सेंटर से भी पास हो रही है तो इसको कहेंगे हम रेडियल फॉलोवर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ऑफसेट फॉलोवर किसे कहेंगे। तो ऑफसेट फॉलोवर क्या होगा कि यदि कैम, ये जो फॉलोवर है इसकी मोशन है अबाउट दिस अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है, लेकिन ये एक्सिस जो है वो कैम के सेंटर से पास नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑफसेट है, ये डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, तो ऐसे फॉलोवर को कहेंगे ऑफसेट फॉलोवर। ओके, तो न्यूमेरिकल में कई बार आपको रेडियल फॉलोवर के लिए भी कैम प्रोफाइल के डिजाइन पूछ सकता है, और कुछ न्यूमेरिकल में आपको पूछेगा कि ऑफसेट फॉलोवर है तो कैम प्रोफाइल डिजाइन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेडियल फॉलोवर किसे कहते हैं और ऑफसेट फॉलोवर किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कैम का अकॉर्डिंग टू द मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर
with respect to the axis of rotation or oscillation of the cam. तो तीन तरीके से कैम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले रेडियल और डिस्क कैम, उसके बाद सिलेंड्रिकल कैम्स, उसके बाद ट्रांसलेशन कैम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रेडियल। तो रेडियल फॉलोअर में क्या होता है कि जो रेडियल कैम्स में क्या होता है कि जो फॉलोअर्स है वो मूव होते हैं इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कैम। कैम की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में यदि वो मूव होते हैं फॉलोअर, तो उसको कहेंगे रेडियल कैम्स। तो आगे जो हमने देखे, ठीक है, ये वाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फॉलोवर है वो किस तरीके से मूव हो रहे थे, तो कैम की एक्सिस को परपेंडिकुलर प्लेन में मूव हो रहे थे, तो इसीलिए इसको कहते हैं रेडियल या फिर डिस्क कैम कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है, रेडियल या फिर डिस्क कैम, क्योंकि फॉलोवर की मूवमेंट जो है वो कैम की एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में है। सिलेंड्रिकल कैम क्या होगा, यदि फॉलोवर जो है वो मूव हो रहा है इन प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कैम, कैम के एक्सिस जो है उसके पैरेलल प्लेन में यदि फॉलोवर की मूवमेंट है तो उसको कहेंगे सिलेंड्रिकल कैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर, जहाँ पे ये सिलेंडर है उसके ऊपर ये ग्रू बना है, ग्रू में ये फॉलोवर का एक एंड यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही सिलेंडर रोल होगा, ठीक है, तो फॉलोवर की ये जो मूवमेंट होगी कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें, रेसिप्रोकेटिंग टाइप। तो ये प्लेन और ये एक्सिस दोनों देखो, ये कौन से प्लेन में मूव हो रहा है, ये जो कैम की एक्सिस है उसके पैरेलल प्लेन में, तो इसलिए इसको कहेंगे सिलिंड्रिकल कैम। ओके, उसके बाद आता है ट्रांसलेशन कैम। तो इस कैम में क्या होगा कि जो कैम है उसके एक साइड प्रोफाइल बनाया हुआ होगा, दूसरा इसकी जो मोशन होगी कैम की वो कैसी होगी, तो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। ठीक है, और वन साइड उसका प्रोफाइल बनाया हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्रांसलेशन कैम, जहाँ पे एक साइड कैम का प्रोफाइल है और ये है फॉलोवर। ठीक है, इस तरीके से इसकी मूवमेंट होने वाली है। तो इस तीन तरीके के कैम होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चाहें तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।